हेलो एवरीवन वेलकम टू सरज मिश्राज यूटूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं यूजीसी जी सी पे स्केल ऑफर हो रही है लेवल टेन फिफ्टी की पे स्केल है अलाउेंसेज वगैरह एड होकर सैलरी सेवेंटी के अराउंड मंथली सैलरी जरूर बनती है तो आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल कवर करते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं एट्सेट्रा यहाँ पे लगभग लग सभी डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन अलग अलग पीडीएफ डी पीडीएफ एडवर्टीज़मेंट पी है तो सारे पीडीएफ डी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ आपसे कंसर्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिपार्टमेंट है तो आप पी ओपन करके देख सकते हैं तो स्कूल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में है स्कूल ऑफ इंटर एंड अप्लाइड साइंसेज में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज स्कूल ऑफ़ लॉ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन मींस जो बीएड एड करके नेट सेट पीएचडी करते हैं उनके लिए और ये बैकलॉग के लिए कुछ पोस्ट है तो बेसिकली ये सारे डिपार्टमेंट्स से मैं एक दो आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से रिलेटेड बाकी लॉ और बाकी के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आप ओपन करें पी और चेक करें इसके अलावा एक और है ये सारे पोस्ट जो हैं एम्प्लॉयमेंट uh, नोटिफिकेशन जारी की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस टीचिंग पोजिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो देखिए बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन करते हैं जब परमानेंट पोस्ट होती है पे स्केल ऑफर हो रही होती है तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन करते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हम बुलाते हैं क्योंकि इनकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है कंप्लीट फंडिंग तो ये रिक्रूटमेंट सेक्शन में है तो परमानेंट पोस्ट जो है वो तो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे एक एक और पोस्ट यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू भी कराई जा रही है जो कि पर लेक्चर गेस्ट फैकल्टी के लिए तो ये भी एक चेक कर सकते हैं आप इसमें भी काफी सब्जेक्ट मुझे नजर आए इसको एक बार चेक कर लेते हैं गेस्ट फैकल्टी की ये परमानेंट नहीं है और एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस टीचिंग पोजिशन ये जब आप चेक करेंगे तो ये परमानेंट पोस्ट हैं तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू जो कि गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स तो ये गेस्ट फैकल्टी की भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में और परमानेंट पोस्ट अलग है तो गेस्ट फैकल्टी के लिए मैथमेटिक्स न्यूट्रिशन बायोलॉजी केमिस्ट्री सब वॉक इन इंटरव्यू ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को केमेस्ट्री साइकोलॉजी फिजिक्स एंड एस्ट्रो जियोग्रफी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्कृत तो ये सारी जो नोट वेकेंसीज हैं, इनके लिए फिफ्टीन हंड्रेड पर लेक्चर पे की जाएगी सो दै फिफ्टी पर मंथ पेमेंट होगी गेस्ट लेक्चर के लिए लेक्चरर के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए सॉरी और इनकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट भी दी हुई है मैंने आपको फिर से बता दूं कि दो टाइप के पोस्ट हैं एक जो ये वाली पोस्ट है वॉक इन इंटरव्यू ये गेस्ट फैकल्टी के लिए है और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस टीचिंग पोजिशन इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं इससे क्या ओपन होता है ये परमानेंट पोस्ट के लिए है तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको सभी सेपरेट सेपरेट पी डी एफ सब डिपार्टमेंट वाइज दी हुई हैं इनमें से एक दो मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे कि किस तरीके से दी हुई है लास्ट डेट टू अप्लाई 30 सितंबर 2021 है जो परमानेंट पोस्ट है उनके लिए 8 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें कि ये जो पहला मैंने ओपन किया ये स्कूल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी एंड अपलाइड साइंस के लिए है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं बायो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस माइक्रो बायोलॉजी न्यूट्रिशन बायोलॉजी फार्मास्यूटिकल साइंसेज योगा सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है पोस्ट काफ़ी कम है जो परमानेंट पोस्ट हैं इसलिए आप अच्छी तरीके से समझ लें एज़ पर यू जी सी रेगुलेशन एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एज ऑफ नाउ जो क्वालिफ़िकेशन चल रही है डिटेल्स वो है कि कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन 55 परसेंट मार्क्स के साथ में साथ में नेट है या फिर स्टेट से सेट किया हरियाणा स्टेट से या फिर पीएचडी अगर आपने की है तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो चाहे वो परमानेंट पोस्ट हो फ्रेशर में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं लेकिन इनके लिए जो पोस्ट काफ़ी कम है एप्लीकेशन फी ज़्यादा है ये आपके आ, ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए है ये इसके लिए और एक है एक और डिपार्टमेंट की मैंने ओपन की है जो कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज उसमें इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज है हिंदी है हिस्ट्री है एंड आर्कियोलॉजी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी संस्कृत सोशियोलॉजी पे स्केल सभी के लिए ऑफर हो रही है थर्टी सेप्टेम्बर टू तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं नॉन रिफंडेबल होती है एप्लीकेशन फ़ी गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई फी नहीं है उसके लिए आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं पर ये जो जितने भी परमानेंट पोस्ट हैं इनके लिए वन थाउजेंड रुपीज़ एप्लीकेशन फी है अनरिजर्व कैटेगरी ओ बी एस एंड ई डब्ल्यू एस के लिए बाकी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एंड वीमेन कैटेगरीज के, के लिए नो एप्लीकेशन फी तो ये अच्छी बात है कि विमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री है एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी जिनके लिए फ्री है एप्लीकेशन उनके लिए और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए थाउजेंड रुपीज़ तो मैंने सभी डिपार्टमेंट आपको ओपन करके नहीं दिखाया आपको मैंने पहले बताया कि काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं वैकेंसीज तो वो आपको जाकर खुद डाउनलोड करनी होगी अगर आपको लगता है आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट है तो आप इस पी को ओपन करें डिटेल्स पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन अच्छी तरीके से पढ़ें फिर एप्लीकेशन डालें लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये लिंक मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो रिक्रूटमेंट सेक्शन की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें कहीं ना कहीं लिंक मिलेगी बट आपको कौन सा चेक करना है अगर गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको चेक करनी है और तो ये वाली आपको एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है और ये वॉक इन इंटरव्यू है और अगर आपको परमानेंट पोस्ट के लिए देखना है तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस टीचिंग पोजिशन ये आपको क्लिक करनी है तो यहाँ से यहाँ तक चारों आप क्लिक कर लें क्योंकि जो परमानेंट पोस्ट होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी वक्त लग जाता है कभी कभी छः महीने से भी सिक्स मंथ से ऊपर तो गेस्ट फैकल्टी के लिए अगर आप इमीडिएट बेसिस पर फिफ्टीन हंड्रेड पर आवर पर लेक्चर पे की जाएगी इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख लें वॉक इन इंटरव्यू की नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट्स चेक कर लें आप सभी को बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच